अब थोड़ी सी बात पेरेंट्स की कर लेते हैं। ये पेरेंट्स हमारे बड़े परेशान रहते हैं कि वो मतलब बच्चा हमारी सुनते ही नहीं, बच्चे पता नहीं क्या हमको समझते हैं। बच्चे हमको तो मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ़ी समझते हैं, आउटडेटेड समझते हैं। अच्छा, आउटडेटेड यानी आपको लगता है कि अपडेटेड होने के लिए आपको वो सब सीखना पड़ेगा जो बच्चों ने सीखा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा सीख गए हैं। आपको मम्मी कहती है देखिए ना स्वामी जी मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आती, तो ये मुझे डांटता है, मुझे आम दिखाता है। गलत, आप गलत सोच रहे हैं, आपकी सोच गलत तरफ जा रही है। आपको अंग्रेजी आएगी तो बच्चे आपका सम्मान करेंगे, आपको गणित आ जाएगा या आप उसके जैसे इंजीनियर बन जाएंगे तो आपका सम्मान करेंगे? नहीं नहीं, मामला ऐसा है कि अगर आप उस जैसे होंगे तो वो आपका सम्मान करेगा। मुझे बताइए, जब छोटे छोटे घर में बच्चे होते हैं, है ना, अब आप में से कितना भी कड़क आदमी हो ना, कितने भी मजबूत महिला हो जो बाजार में ऐसी घूमती हो, जब छोटा बच्चा सामने आता है तो आप उसके जैसे हो जाता है। ले 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 ले, आपका सब एजुकेशन बाजू हो जाता है, क्योंकि उसके जैसा होगा दो बात ही नहीं करेगा। साहब कहोगे हाँ सो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट हिम। तो आप क्या करते हैं बच्चे के साथ? आपको मुझे जमीन पर बैठना पड़ता है। बच्चे छोटे से आते हैं, स्वामी जी, तो मैं जमीन पर बैठ जाता है, आजा बेटा गले लग जा। मुझे उसको गले लगाना है तो मुझे उसके जैसा होना पड़ेगा, मगर आप झुकते नहीं हैं। आप ठीक है चला ठीक है। बच्चे के साथ खेलना तो बच्चे होना पड़ता है, ये बात से आप राजी है? तो बस जवान के साथ बात करनी है तो जवानी की बात करिए। जवान बच्चे घर में है, आप उनको पता नहीं क्या समझा रहे हैं, पुरानी कहानी सुना रहे हैं। हमारे टाइम में 2 रुपए लीटर दूध था। अच्छा आप ये हमारी दादी का तो चेहरा ही किसी ने देखा, जब मरी जब पल्लू निकला, पल्लू बोल रहे। यहाँ बात चल रही है कि वो पेंट कितनी होनी चाहिए यहाँ की, यहाँ की, यहाँ, और आप पल्लू की बात कर रहे हो। डिस्कशन उस पर होना चाहिए और डिस्कशन इस पर आप जवान बच्चों से बात करना चाहते हैं तो उनके तरह से बात कीजिए। फिल्मों की बात कीजिए, फेसबुक की बात कीजिए, नया वीडियो आया देख, तू भी देख, नहीं भी देख। पर आप कहते कि ये वीडियो तो अपने लिए, फटाफट डिलीट करते देख के, ये उसने नहीं देखना चाहिए। आपको नहीं मालूम पहले उसके पास आया था। तो ऐसा साहब की पेरेंट्स से मैं एक बात बहुत साफ कह देना चाहता हूँ, मेरी बात आपको अच्छी लगे तो अच्छा, नहीं लगे तो आप क्या कर लोगे। ये बच्चों के साथ बैठ करके, लड़का हो कि लड़की हो, घर में जो भी कंफर्टेबली बात कर सकता हो, क्योंकि एक तो बात करना नहीं आता हमको, हमको बच्चों के साथ बात करना सीखना चाहिए। एक महिला का मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था टेड पर बड़े अच्छे प्रेजेंटेशन आते हैं, उस पर देख रहा था तो उस महिला ने कहा कि पूरी दुनिया में मैं एक ही काम करती हूँ। क्या काम करती हूँ? कि अलग अलग राष्ट्रों के अध्यक्षों को चाय पर आमंत्रित करती हूँ, उनको चाय पिलवाती हूँ साथ में बिठा बिठा के। यहाँ का प्रधानमंत्री, यहाँ का प्रधानमंत्री चाय पियो, वहाँ का प्रधानमंत्री, यहाँ का प्रधानमंत्री चाय पियो। तो लोगों ने कहा ये क्या काम करते हो? उसने कहा कि ऐसा है कि दुनिया की सारी समस्याएं संवाद से हल हो सकती है, और संवाद तब होगा जब हम साथ बैठकर खाएंगे, साथ बैठकर पिएंगे, साथ बैठकर नाचेंगे, साथ गीत गाएंगे, साथ सेलिब्रेट। मगर हमारे यहाँ तो एक आदमी आता अपने लिए खाना परोसता, 11 बजे उसने खाया रख दिया, फिर वो आता है, वो जो बहू सबसे आखिरी में खाती थी वो पहले ही खा लेती है, उन्होंने कहा बहुत देर लगाता है, ठीक है पता नहीं वो कब आएगा, ये कब आएगा, सब अपने अपने आते परोसते निकल जाते, टाइम नहीं साहब किसको भी। अच्छा ये सब भाग क्यों रहा है? कि जिंदगी बेहतर हो, खाना खाने को मिले, और खाना खाने को टाइम, खाना खा लेना ये तो जानवर भी कर लेता है, मगर साथ बैठ कर भोजन, एक समय का भी कोई चाय या कोई भोजन, कोई एक टेलीविजन नहीं हो, सब बैठ के बोले हम टीवी तो देखते हैं, उसमें आप कोई भी नहीं होते, सब बैठ के एक साथ खाना खाइए, बात कीजिए, बातचीत शुरू कीजिए। बातचीत जब शुरू होगी, संवाद जब शुरू होगा तो सारे हल निकलेंगे। बच्चों से साफ मैं कहता हूँ, आप डरे जा रहे हैं, मेरी लड़की को पता नहीं लग जाए वो साइट्स का, वो लड़का मेरा पता नहीं कौन सी साइट नहीं देख ले, दे डिलीट कर दे, ये कर दे, वो कर, ऐसा करो, बंद करो, ये इंटरनेट निकलवाओ, ये निकलवाओ, ये। अरे आप कहाँ वाईफाई निकालोगे दादा? आप सीधे बैठ के कहो कि देख बेटा देख, मैंने ये वीडियो क्लिक किया मेडिटेशन, अब ये मेडिटेशन का वीडियो खुला, इसके साथ ये 3 और खुल गए, देखा। अब वो लड़की होगी, लड़का होगा, थोड़ा शर्मा आएगा कि पापा को क्या हो गया। उसको बताओ कि अच्छा चलो फिर अब ये 3 पे अगर हमने क्लिक किया तो फिर ऐसे बहुत सारे खुल गए। तो हम करते ही अकेले में जवाब नहीं रहता। हुआ यूं कि एक छोटे से बच्चे को, बच्चा होगा कोई 7-8 साल का, उसको उसके दादाजी और पिताजी ले गए कमरे में और कहा कि बहुत जरूरी बात करनी है, आज हम सेक्स के बारे में बात करेंगे। तो उसने कहा पूछो क्या पूछना है। उसने कहा पूछो क्या पूछना है, आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ क्या? उसके पास एनर्जी नहीं है अभी, पर इन्फॉर्मेशन है। अब आप ये मत समझ लेना कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप ज्ञानी हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबके जेब में रखी है। गूगल माता, उसको क्या नहीं आता। आप डालिए कुछ भी खट सर, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे आगे की बात आपको गूगल बता सकता है। तो मैं अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो बहुत गलती कर रहा हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैं रूपांतरण के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आपकी सोच बदले, आपका जीवन बदले, आपका एटीट्यूड बदले, इसका प्रयास करना। तो पेरेंट्स, चलिए इसके आगे अभी जो पेरेंट्स हैं उनसे मेरी इतनी निवेदन है कि आप इस बात को समझें कि जीवन बहुत छोटा है। यहाँ जितने भी लोग बैठे ना, जो थोड़े से 30-35 के जो लोग यहाँ आ गए हैं, वो थोड़ा सा जरा आंख बंद करके सोचो कि 35 साल कहाँ निकल गए। अभी तो स्कूल गए थे, अभी तो कहाँ चल गए। जिंदगी ऐसी खट से गायब होती है। 80 साल का आदमी जब मरने लगता है तो खत्म। वो प्रसिद्ध कहानी तो आपने सुनी होगी, बहुत कॉमन है। आदमी मर रहा है, वो आ गया एकदम से, वो पैसे गिन रहा था, वो इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए। वो इतने सामने बोले भाई साहब चले, कहाँ चले? बोले आपका टाइम हो गया। कहाँ का टाइम हो गया? बोले वो बोला अब तो पैसे गिन रहा हूँ, खर्चा करूंगा। भाई साहब अभी तो टाइम हो गया ना आपका। अरे भाई साहब बोले ये पैसे इसमें से इतना आप रख लो, इतना। मैंने कहा हमारे वहाँ नहीं चलता भी है सर, हमारे पैसे से नहीं लेते हम तो जिसको लेना है उसको ले जाते हैं। और उसने कहा नहीं नहीं ऐसा करो आप पूरी ले लो, ऐसा करो। उसने कहा नहीं हम नहीं। उसने कहा देखो सर मुझे ना 2-3 महीने का वक्त दे दो, मुझे कुछ खास दोस्तों से मिलना है, मुझे वो डांस क्लास ज्वाइन करनी है, मुझे वो गिटार सीखना था, 2-4 चीज़ें रह गई जरा वो करवा दो बस, फिर मैं चल लूँ। उन्होंने कहा नहीं साहब नहीं देते टाइम, नहीं देते। अरे बोला आप कैसी बात करो, थोड़ा निगोशिएट तो नहीं होता। निगोशिएशन बोला अच्छा एक दिन तो दे दो, माफ़ी मांग लो कुछ लोगों से। नहीं देते साहब, बहुत गलती करी है, पिताजी को अड़बड़ बोल दिया था, माफ़ी मांग लूँ, पैर छू के बाहर गए हुए हैं, कल आएंगे। उसने कहा नहीं होता। उसने अच्छा 1 घंटा तो दे दो। अरे जब मैं कह रहा हूँ नहीं होता, वो गिड़गिड़ा पैर पकड़ लिया। 2 मिनट तो दोगे? ना चल दिए 2 मिनट। वो दौड़ के गया, कागज उठा और कागज पर आपके लिए लिखा कि दोस्तों तुरंत तुरंत जी लेना, ये 2 मिनट भी नहीं मिलते। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि जिंदगी बहुत छोटी सी है और हमको जिन चीजों से खुशी मिली है जिंदगी में वो चीजें हम बच्चों से कराएं। हिम्मत करो यार कहने की अपने बच्चों से कि नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ पढ़ाई, क्या समझ में आता कर, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आज 2000 विद्यार्थी हमारे देश में हर साल आत्महत्या करते हैं पढ़ाई का स्ट्रेस। बेंगलोर जाना चाहते हैं बच्चे सब, आईटी। सुन लो भैया आईटी के बारे में, आईटी में बेंगलोर हर 20 में एक बच्चा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, स्ट्रेस। आईटी 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 आईटी। मैं कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो बात आपको थोड़ी अजीब लग रही है, मगर जिंदगी की बात कह रहा हूं। आप जिस तरफ जा रहे हैं वो मौत का रास्ता है। अभी आपको तय करना है आपको क्या करना है। हो सकता है कि पप्पा बहुत ज्ञानी ना हो, पर पप्पा प्यार बहुत करते हैं। ये दुनिया ज्ञान से नहीं प्यार से चलती है। इस बात को समझ लेंगे तो बात मेरी पूरी हो जाएगी। इतनी बात कहने के लिए इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ कि ये दुनिया ज्ञान से नहीं चलती, पैसों से नहीं चलती, ये दुनिया प्यार से चलती है। एक रोटी कम खाएंगे पर हंसेंगे, नाचेंगे, मौज करेंगे, जितना जिएंगे अच्छा जिएंगे। ये बात समझो यार। पर आपसे कुछ होते नहीं बना तो अपने बच्चे को लगा दिया उस लाइन पे कि मेरे से तो नहीं हो पाया, 2 करोड़ तू लग जा, तू कर लेगा 2 करोड़। आप अपने सपने उनसे पूरे कराना चाह रहे हैं, ये आपकी गलती। वो आपको ऐसा मानते हैं कि आप में ज्ञान नहीं है या आप आउटडेटेड है, ये उनकी गलती है। और ऐसी गलतियां करते करते हम सब टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं। मैं अपनी एक छोटी सी बात पूरी करना चाहूंगा जो मैंने आधे में छोड़ दी थी, कि मैंने कहा कि घर में बैठ करके हिम्मत करिए और बच्चों को बताइए कि ये होता है पॉर्न, और ये खुलती है ऐसी फिल्में, और ये फिर उसमें यह समझाइए कि ये जिंदगी का एक पहलू है। यानी ऐसा जैसे कि हम कभी कभी गुलाब जामुन खाते हैं और सबको अच्छा लगता है, मगर हम रोज 5 सुबह और 5 शाम को नहीं खाते हैं, नहीं तो 8 दिन में मर जाएंगे। उसको समझाओ, वो समझदार है, वो उसको समझाने की संभावना की, पर वो आपसे पूछने नहीं आता क्योंकि आप बताना नहीं चाहते, वो उनसे पूछना चाहता है जो पता नहीं क्या बता रहे, क्योंकि उनको उनकी दुकान चलानी है। गंदी किताब है, बच्चे पढ़ रहे, क्यों? उस किताब में वो अपना उत्तर ढूंढ रहे, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, और वो हमेशा आधा बता के छोड़ देते क्या होता है, क्योंकि अगली किताब भी तो बेचनी है। ये माँ बाप अगर बात कर ले एक बार बैठ के कि देख भैया क्या है, ये हम भी प्यार करते एक दूसरे से, तेरे मम्मी पापा है, हम भी प्यार करते एक दूसरे, पर नहीं ये गंदा है, ये खराब है, ये गंदा है। कभी कभी बच्चा रात को उठ के देखता है कि गंदा क्या हो रहा है यार, जिंदगी में तो झूठ, जिंदगी के झूठ कैसे चलेंगे? आप प्यार करते हैं आपस में, आप गले लगते हैं, आप बच्चा देख रहा है, फिर उसको कह रहे हैं ये सीन चल रहा है, चेंज करो चेंज, वो सीन घर में ही चल रहा है और चलेगा क्योंकि ये सीन नहीं है, जिंदगी है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। तो उसको बताओ कि देख 10% ये है, 10% संगीत है, 10% पढ़ाई लिखाई है, 10% दोस्त यार है, 10% उसको जिंदगी के 100% बताओ। और तू अगर ये 10% में अटक गया और तू रोज पाव नहीं देखता रहा, रोज 25 गुलाब जामुन खाया, तो बहुत जल्दी मर जाएगा बेटा। तो ठीक मैसेज पहुंच रहा है। तो सवाल ये है कि आपको बच्चों के साथ ईमानदार होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा, उनके जैसे होना पड़ेगा, तो वो आपका सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। और बच्चों, मम्मी पापा के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपकी तकलीफ को सही न समझ सकता, क्योंकि वो आपका एक्सप्रेशन, आपको कहना नहीं पड़ता, वो समझ लेते हैं, वो महसूस कर लेते हैं। आपके दोस्त को तो आप समझा समझा के थक जाए, तो आखिरी वो कहता है समझ नहीं आया तेरी प्रॉब्लम क्या है। मैं देखता हूँ आजकल वो डिब्बे में लगे रहते हैं लोग बात पूरी रात, लड़कों को देखता हूँ वो कहते रहते हैं हाँ, लड़कों के पास क्या आगे कुछ होता भी नहीं, बातचीत वैसे ही चलती रहती है। फिर सुबह कहता है हाँ मैं समझ गया ना, मैं आता हूँ फिर मिलता हूँ, सो जाता है, मेरा बहुत हुआ था। सारा प्यार मोहब्बत वो प्लास्टिक के डिब्बे में डालते हैं, उसमें आई लव यू और आई किसी और फलाना और ढिकाना, और जब सामने खड़े होते तो समझ नहीं आता करना क्या है, क्योंकि आई लव यू आई किस, ये मोबाइल को करने की चीज़ नहीं थी, ये व्यक्ति और व्यक्ति के बीच की बात थी, अब व्यक्ति और मशीनों के बीच हो रही है। फेसबुक पर 5000 दोस्त और अपने सगे भाई संग बात नहीं करते, ये वास्तविक